जॉन सीना ने किया समर स्लैम से पहले रोमन रेंस का पिन फॉल, एज ने गिराया सैथ के ऊपर ब्लैक ब्लड, और जाने की क्या कुछ हुआ बड़ा आज WWE स्मैकडाउन के अंदर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव एंड आप देख रहे हैं WWE हिंदी गॉसिप्स। तो गाइस आज की स्मैकडाउन हो चुकी है खत्म, जो कि समर स्लैम से पहले की आखिरी स्मैकडाउन थी। और आज की स्मैकडाउन दोस्तों वन ऑफ द बेस्ट स्मैकडाउन थी, जिसके अंदर दोस्तों हमने एक बड़ा शॉक देखा है और देखी दोस्तों एक बड़ी स्टेटमेंट जो कि जॉन सीना ने दे दी है, रोमन रेंस का कर दिया है पिनफॉल, वो भी स्मैकडाउन के अंदर। तो बात की जाए शुरुआत की, आज की स्मैकडाउन की शुरुआत जो हुई थी वो हुई थी दोस्तों रेटेड आर सुपरस्टार यानी कि एज के प्रोमो सेगमेंट के द्वारा। तो गाइस जो ये प्रोमो था ये काफी धांसू था। इसके अंदर दोस्तों जो एज है वो बात करते हैं 2014 की, ये चीज कहते हैं कि 2014 में मुझे सेथ रॉलिंस ने कर्ब स्टॉम्प लगाया था मनी इन द बैंक ब्रीफकेस के ऊपर, जिसे मैं आज भी याद करता हूं और मेरा खून उबलता है। वहां उसने मेरी नेक को इंजर्ड करने की कोशिश की और मैं सोचता हूं जब अपनी फैमिली के बारे में तो मुझे और भी ज्यादा गुस्सा आता है। रही बात सैथ की, सैथ कहता है कि समर स्लैम में वो मेरे साथ कुछ ऐसा ही करेगा और मेरी फैमिली को एम्बेरस करेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा। बजाय इसके अब सैथ रॉलिंस ने मेरा एक दूसरा स्वरूप जला दिया है, जगा दिया है, और जो स्वरूप है इसमें मेरा जो खून है बॉयल हो के ब्लैक हो चुका है। रही बात समर स्लैम की, समर स्लैम में मैं करूंगा सैथ रॉलिंस को बर्न डाउन। इस तरीके से दोस्तों उन्होंने स्टेटमेंट जड़ी थी और इसके अंदर दोस्तों एज काफी खतरनाक नजर आ रहे थे, जिसके बाद दोस्तों हमें नाइट की शुरुआत होते हुए नजर आती है और हमें देखने को मिलता है दोस्तों पहला सिंगल्स मैच, जहां दोस्तों जिमी उसने फेस किया है रे मिस्टीरियो को। अब गाइस मैच से पहले डोमिनिक को रे मिस्टीरियो बहुत समझाए थे कि ऐसा नहीं करना वैसा नहीं करना, मैच के अंदर दोस्तों बिल्कुल ऑपोजिट हुआ। वहां दोस्तों अंतिम क्षणों में क्या थिंग देखने को मिली कि डोमिनिक मिस्टीरियो दोस्तों डेजा वो करना चाहते थे, जैसे कि दोस्तों आपको याद होगा पिनफॉल डोमिनिक ने लास्ट टाइम फंसा कर की थी, रेफरी ने पकड़ लिया और गाइस कह दिया कि डोमिनिक जाए बैकस्टेज। इसी दौरान दोस्तों रे मिस्टीरियो की पिटाई होगी, डोमिनिक की भी पिटाई हो गई और अंदर दोस्तों रिंग में लगा है स्प्लैश, उसो स्प्लैश लगा और रे मिस्टीरियो दोस्तों इस मैच को हार गए, जिमी उसो इसमें विजय प्राप्त कर गए। तो इस तरीके से दोस्तों नाइट का पहला मैच खत्म हुआ था, जो कि काफी शॉकिंग एंडिंग के साथ खत्म हुआ और यहां दोस्तों उसोस ने अपर हैंड ले लिया है समर स्लैम से पहले। बात की जाए इसके बाद हुआ क्या, तो इसके बाद जो अगली चीज हम लोगों ने देखी है वो था दोस्तों कॉर्बिन का मैच, जो कि कैमरन ओन्स को फेस किए। मैच काफी ठीक ठाक जा रहा था लेकिन इसकी एंडिंग हल्की सी कंट्रोवर्सी के साथ हुई है, जहां दोस्तों हमें कैंगल देखने को मिलता है कि वहां बिगी लैंगस्टन आ जाते हैं, क्योंकि आप सब लोग जानते हैं कि कॉर्बिन ने उनका ब्रीफकेस चुराया है। बिगी ने धावा बोल दिया, कॉर्बिन के ऊपर डिस्क्वालिफिकेशन हो गया, जहां दोस्तों फिर से कॉर्बिन जो है बिगी को मारकर उनका ब्रीफकेस लेकर भाग खड़े हुए। तो अभी दोस्तों कॉर्बिन की दौड़ जारी है और ब्रीफकेस उन्हीं के पास है। बात की जाए इसके बाद क्या हुआ है, तो इसके बाद जो अगली चीज हम लोगों ने देखी वो था दोस्तों बियांका ब्लेयर का प्रोमो बैकस्टेज। दोस्तों उन्होंने ये चीज कही कि साशा ने जो स्टेटमेंट रखनी थी रख दी। रही बात कारमेला और बेगा की, तो आज वो उन्हें सबक सिखाएगी, एक के बाद एक उन्हें सिंगल्स कॉम्पिटिशन में फेस करेगी। जहां एंकर ने उन्हें डराया लेकिन बियांका ने कहा कि जो होना है वो होकर रहेगा चाहे मुझे कुछ भी हो जाए। तो यहां दोस्तों मैच बन चुके थे एक नहीं दो दो। बात की जाए इसके बाद हुआ क्या, तो इसके बाद अगली चीज हम लोगों ने देखी वो था दोस्तों एक टैग टीम मैच, जहां शॉट्सी ब्लैक हार्ट एंड नॉक्स ने दोस्तों फेस किया है हमारी टमीना नटालिया को। ये मैच दोस्तों काफी बढ़िया था, नंबर वन कंटेंडरशिप का जो मैच था। यहां दोस्तों टाइटल तो दावों के ऊपर नहीं थे लेकिन इसमें शॉट्सी ब्लैक हार्ट एंड जो नॉक्स है वो विजय प्राप्त कर गए, जिससे साफ होता है कि गाइस आगे जाकर इन्हें टाइटल अपॉर्चुनिटी जरूर मिलेगी। बात की जाए इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद जो अगला सेगमेंट था वो था दोस्तों हमारे सेथ रॉलिंस का। सेथ रॉलिंस दोस्तों रिंग के अंदर आए, जहां उन्हें बहुत सारी बू मिल रही थी, लिटरली दोस्तों लोग पागल हो रखे थे, उन्हें काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था सेथ रॉलिंस के ऊपर। सेथ रॉलिंस सफेद कलर का दोस्तों कोट पहनकर आ रखे थे और वो काफी शाइन मार रहा था सेथ रॉलिंस, ये चीज कहते हैं। इसमें कोई भी शेम की बात नहीं है, अगर एज मुझसे हारता है मुझसे इंजर्ड होता है। रही बात एज की, गाइस हमें एज देखने को मिलते हैं बिग स्क्रीन के ऊपर। एज दोस्तों एक अलग ही रूप में नजर आ रहे थे, वहां दोस्तों बहुत सारी फायरवर्क्स हम लोगों को देखने को मिल रही थी। साफ सी बात थी कि एज जो है वो 20s का है, यानी कि दोस्तों हमारे 2001 से लेकर 2002 के बीच का जो एज है वहां नजर आ रहा था एटीट्यूड एरा वाला। और गाइस वो ये चीज कहता है कि सेथ अब तुम्हें मेरी अग्नि की ज्वाला में दहकना पड़ेगा, जलना पड़ेगा। और फिर हमें देखने को मिलता है कि ऊपर से गिरता है दोस्तों ब्लैक ब्लड
और उससे दोस्तों जो हमारे सेथ रॉलिंस है उनके सारे कपड़े हो जाते हैं खराब। उसमें लोटपोट दोस्तों सेथ रॉलिंस उठने की कोशिश तो करते हैं लेकिन वो ढंग से नहीं उठ पाते। यहाँ दोस्तों आपको याद दिलाना चाहूँगा कि जो एस थे वो अपने डेब्यू के बाद से ही एक ग्रुप का पार्ट थे जिसका नाम ब्रूट था, जो कि दोस्तों एक वम्पायर गैंग थी। चूँकि दोस्तों WWE अब एक PG प्रोग्राम है तो एस में ब्लड तो नहीं दिखा सकते, उन्होंने काला तरीके का कीचड़ दिखाया है, काला दोस्तों ब्लड दिखाया है। और इससे साफ होता है दोस्तों कि सेथ रॉलिंस जो अब कितने ज़्यादा गुस्सा होने वाले हैं समर स्लैम में, आज उनका उपहास उड़ा गया। बात की जाए इसके बाद हुआ क्या, तो इसके बाद जो अगली चीज़ हम लोगों ने देखी है वो था दोस्तों ओटिस का मैच, जो कि मॉन्टेस फोर्ड को फेस किया है। मैच दोस्तों एक सिंगल कॉम्पिटिशन था और इसके अंदर दोस्तों ओटिस ने बिल्कुल डिस्ट्रॉय किया है मॉन्टेस को और स्प्लैश लगाकर उनकी पिन किया है। तो यहाँ दोस्तों मॉन्टेस की फिर से एक बड़ी हार हुई है और काफ़ी बड़ी चुनौती दोस्तों यहाँ रख रहे हैं हमारे अल्फा अकेडमी वाले। बात की जाए इसके बाद हुआ क्या, तो इसके बाद जो अगली चीज़ हम लोगों ने देखी वो था दोस्तों अजीज का स्मैकडाउन डेब्यू। तो मेरे हिसाब से दोस्तों टैग टीम डिवीजन में उनका डेब्यू था, जहाँ दोस्तों वो अपोलो के साथ मिलकर फेस किए हैं हमारे शिंसुके नाकामुरा और बुक्स को। तो बुक्स का भी दोस्तों ये डेब्यू था और काफ़ी एंटरटेनिंग है मैच, ज़्यादा लंबा नहीं चला। इसके अंदर दोस्तों जो बुक्स है उन्होंने एक तरीके का पावर स्लैम लगाया किसको, हमारे अपोलो को, और उनकी पिन कर दी, जिसके तहत दोस्तों इसके अंदर शिंसुके लाला एंड बुक्स विजय प्राप्त कर गए। तो एक बड़ी विक्ट्री समर स्लैम से पहले। बात की जाए इसके बाद हुआ क्या, इसके बाद दोस्तों जो अगली चीज हम लोगों ने देखी वो था दोस्तों हमारी बियांका ब्लेयर का मैच, जो कि वेगा को फेस की। मैच दोस्तों ज्यादा लंबा नहीं था, इसके अंदर दोस्तों बियांका जीत जाती लेकिन उसके बाद उन पर धावा बोल दिया जाता है, कारमेला हमला बोल देती है, मैच हो जाता है दूसरा बिगिन। अब सेकंड मैच था, बियांका के सामने दोस्तों कारमेला थी, हमारी फॉर्मर स्मैकडाउन वुमन चैंपियन। मैच दोस्तों काफी बढ़िया गया और इसके अंदर फिर से बियांका ब्लेयर केवड़ी लगाकर विजय प्राप्त कर गई। साशा दोस्तों आज की स्मैकडाउन का पार्ट नहीं थी, यहाँ दोस्तों बहुत बड़ी जीत हुई बियांका की। बात की जाए इसके पश्चात क्या देखने को मिला है, इसके बाद दोस्तों जो अगली चीज हम लोगों ने देखी वो था मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग, जहां रोमन रेंस एंड जॉन सिना का फाइनल फेस ऑफ हुआ है। और क्या ही फेस ऑफ हुआ है, मुझसे आप पूछे ही ना। इसके अंदर दोस्तों जो चीज़ हम लोगों ने देखी वो हो सकता है कि समर स्लैम में हम लोगों को देखने को मिले और उसका एक प्रीव्यू हो। तो क्या चीज़ देखने को मिलती है कि सबसे पहले रोमन रेंस आते हैं जिन्हें बहुत सारी बू मिलती है, इसके ठीक बाद दोस्तों वहाँ सीना भी आ जाते हैं जहाँ उन्हें बहुत सारी चीयर मिलती है। यहाँ दोस्तों जो रोमन रेंस है ये चीज़ कहते हैं कि मैंने कहा था कि तू आएगा और डम स्टफ करेगा, तू वही चीज़ें कहेगा जो कि तू कहता आया है और वही तू कर रहा है, इसमें कोई भी चौंकने वाली बात नहीं है, लेकिन समर स्लैम में ऐसा कुछ नहीं होने वाला। इसके बाद दोस्तों सीना अपनी बात रखते हैं और ये चीज़ कहते हैं कि समर स्लैम में जो चीज़ होगी वो तू एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकता, जहाँ बहुत से लोग ये चीज़ कह रहे हैं कि मैं इसलिए नहीं जीत सकता चूँकि मुझे मूवीज़ करनी है। ऐसा नहीं है, बल्कि मैं तो इसे रॉन्ग ठहराऊंगा। ये चीज़ हो सकती है कि मैं मैच भी जीत जाऊँ और मैच जीतने के बाद मैं तेरी यूनिवर्सल चैंपियनशिप को ले जाऊँ और मूवीज़ भी करूँ। इसके बाद दोस्तों रोमन रेंस अपना पक्ष रखते हैं, रोमन रेंस कहते हैं तू जीतने की बात करता है, पॉल हेमन बताओ इसे लास्ट टाइम कब मैं पिन फॉल हुआ था। जिस पर दोस्तों जो हमारे पॉल हेमन बोलते हैं कि जब से तुम ट्राइबल चीफ बने तब से लेकर अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। इसके बाद दोस्तों जो सीना वो कहते हैं कि इसमें सिर्फ 3 सेकंड की देरी है, 1, 2 and 3 एंड चैंपियनशिप मेरी होगी। अगर तू परफेक्ट नहीं हुआ तो चैंपियनशिप मेरी होगी, तुझसे कोई गलती होगी, 1, 2 and 3 चैंपियनशिप मेरी होगी। यहाँ दोस्तों उन्होंने रोमन रेंस को खूब डराया और वहाँ दोस्तों ऑडियंस ने खूब मजे लूटे। जिसके बाद दोस्तों में क्या चीज़ देखने को मिलती है, रोमन रेंस को बहुत गुस्सा आ जाता है। रोमन रेंस कहते हैं कि अगर ऐसा है बच्चू तो एक चीज़ जान ले, अगर मैं हारा तो मैं WWE को ही छोड़ दूंगा। ये काफ़ी ह्यूज थिंग थी जिसे देख दोस्तों सीना के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। इसके बाद दोस्तों जैसे दोनों ने हाथ लगाया वहाँ दोस्तों जो रोमन रेंस थे वो हैंड्स शेक करने के मूड में नहीं थे बल्कि समोन ड्रॉप लगाने के मूड में थे, लेकिन सीना ने डॉच किया और दोस्तों लगा दिया उन्हें रोल अप 1, 2 and 3। वहां दोस्तों पिन फॉल तो नहीं हुई लेकिन वर्चुअल पिन फॉल हो गई। वहां से दोस्तों सीना निकल गए हंसते हुए और दोस्तों रोमन रेंस का चेहरा देखने वाला था। यहाँ दोस्तों प्रीव्यू दे दिया है, क्या सीना वाकई में इस तरीके से पिन फॉल करेंगे रोमन रेंस की समर स्लैम के अंदर, क्या लगता है आपको दोस्तों कमेंट करके मुझे जो बताएगा। आज की स्मैकडाउन दोस्तों काफी ऑसम थी, इसे दोस्तों मैं 5 में से दूंगा 4.3 स्टार, आप कितने देंगे मैं देखना चाहूंगा। रही बात दोस्तों समर स्लैम की फाइनल प्रेडिक्शन की, तो गाइस उसकी वीडियो आज दिन को आएगी, तो स्टे ट्यून्ड। आज की इतनी थी, आज तक के लिए इतना ही, धन्यवाद, शब्बा खैर।